न्यूज और आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। रेहड़ में प्रसव केंद्र काशमपुर गढ़ी के व मुख्यमंत्री मेले में 56 मरीजों का उपचार किया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व बच्चों को अन्नप्राशन कराया गया। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन अफजलगढ़ ब्लॉक प्रमुख ने फीता काट कर किया। डॉक्टर रजनीश कुमार चिकित्सा अधिकारी पीएचसी काशमपुर गढ़ी ने बताया कि पीएचसी काशमपुर गढ़ी पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में गर्भवती महिलाओं की जांच, चर्म रोग, नजला, जुकाम, बुखार सहित कुल 56 मरीजों की जांच कर उनको दवाइयां दी गई हैं। सितंबर में पोषण माह के चलते आरोग्य मेले में 2 बच्चों का अन्नप्राशन तथा 3 गर्भवती महिलाओं को गुड़, चना, हरी सब्जी तथा मौसमी फल देकर उनकी गोद भराई कराएगी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार पबली, भाजपा नेता मलकीत सिंह, कपिल चौहान, डॉक्टर तेजपाल सिंह, CDPO रीता देवी आदि भाजपा कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र सुहावला पर भी 4 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा 4 बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया है। जनादेश न्यूज के लिए नीरज पाल की बिजनौर से खास रिपोर्ट। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशिमपुर गढ़ी पर माननीय मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय श्री ब्लॉक प्रमुख द्वारा, जिलाध्यक्ष श्री मलकीत सिंह द्वारा किया गया है और अन्य BJP के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मेले में अब तक लगभग कुल 56 मरीज देखे जा चुके हैं। CDPO मैडम के अध्यक्षता में 3 लोगों को गोद भराई करी गई, महिलाओं की गोद भराई कराई गई है और 2 बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया है। आज ये मेला विशेष स्तर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि 15 तारीख से 30 तारीख तक एक विशेष उपलक्ष्य का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।